हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम रेनू मैम। ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठमाला, भाग एक, पाठ नवम। पाठ श्री राम, भगवान श्री राम के बारे में जानते हैं कि भगवान श्री राम कौन है, कहाँ रहते थे, उनके गुरु कौन थे। भगवान राम के बारे में संस्कृत में जानते हैं श्री राम। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, हम ये देखिए, ये भगवान राम हैं, उनके माता पिता हैं, भगवान राम के गुरु हैं। तो पहले देखिए, एतत किम, ये क्या है। एतत चित्रम, यह चित्र है। अहम चित्रे दशरथम पश्यामि, मैं चित्र में दशरथ को देखता हूँ। अहम चित्रे कौशल्याम पश्यामि, मैं चित्र में कौशल्या को देखता हूँ। कौशल्या कौन है, भगवान राम की माँ का नाम है। दशरथ कौन है, भगवान राम के पिताजी हैं। अहम चित्रे विश्वामित्रम पश्यामि, मैं चित्र में विश्वामित्र को देखता हूँ। अहम चित्रे रामम पश्यामि, मैं चित्र में राम को देखता हूँ। दशरथ है रामस्य जनक, दशरथ राम के कौन है, पिता हैं। जनक कौन होते हैं, पिता हैं। रामे दशरथम नमति, राम दशरथ को नमस्कार करते हैं। कौशल्या रामस्य जननी, कौशल्या राम की कौन है, माँ है। राम है कौशल्याम नमति, राम माँ कौशल्या को नमस्कार करते हैं। विश्वामित्र रामस्य आचार्य, विश्वामित्र राम के गुरु हैं, आचार्य हैं। राम है विश्वामित्रम नमति, राम विश्वामित्र को नमस्कार करते हैं। राम है अयोध्यायाम अवसत, राम अयोध्या में रहते थे। कहाँ रहते थे, अयोध्या में रहते थे। तो बच्चों, आपने देखा श्री राम के बारे में, उनके गुरु के बारे में जाना, उनके माता के बारे में जाना और उनकी पिता के बारे में जाना कि उनकी माँ कौन है, उनके पिता कौन है। पाठ में आए हुए कुछ बच्चों शब्द और उनके अर्थ हैं, उनके बारे में जानते हैं। एतत यह है ना, जनक कौन है, पिता। किम क्या, अहम मैं। जननी कौन है, माता है। नमति माने नमस्कार करते हैं। रामस्य राम का, चित्रे चित्र में, अयोध्यायाम अयोध्या में, पश्यामि माने देखता हूँ, अवसत माने रहते थे। तो पाठ में आए हुए कुछ शब्द थे बच्चों जिनका अर्थ हमने जाना, इससे हमें पाठ को पढ़ने में बहुत आसानी होती है। तो आपने जाना श्री राम जी के बारे में। अब पाठ में आए हुए बच्चों कुछ अभ्यास कार्य है, उसमें पहले नंबर पर है अभ्यास कार्य में प्रश्न और उनके उत्तर, उनके बारे में जानते हैं। रामस्य जनक आसीत, राम के पिता कौन है, कौन है राम के पिता, पता है आपको, दशरथ, दशरथ। पूरा प्रश्न में लिख सकते हो आप, हिंदी में भी उत्तर दे सकते हो कि राम के पिता दशरथ थे, है ना, या दशरथ है। रामस्य जनक आसीत, रामस्य जननी का अस्ति, राम की जननी कौन है, रामस्य जननी कौशल्यास्ति, रामम पश्यामि। इसमें कुछ भी आ सकता है, अहम चित्रम रामम, अहम चित्रम विश्वामित्रम, अहम चित्रम दशरथम, अहम चित्रम कौशल्याम। तो ये आप कर सकते हैं कुछ भी। दशरथ है डैश जनक, दशरथ है किसके पिता थे, रामस्य, दशरथ रामस्य जनक। तो इस प्रकार हमने बच्चों पाठ में आए हुए खाली स्थान को भरा। एक्सरसाइज नंबर 3 हमारी है, निम्नलिखित शब्दों की हिंदी लिखो। कुछ शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर, उनकी हमें हिंदी लिखनी है। जैसे जनक, जनक क्या होते हैं, पिता होते हैं। जनक किसको कहते हैं, पिता को, जैसे कि दशरथ राम के जनक थे। पश्यामि देखता हूँ, चित्रे माने चित्र में,
चित्र में। अब है एतत, एतत माने यह, जननी क्या है माता, और अहम क्या है मैं, अहम माने मैं। तो इस प्रकार बच्चों पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं, हमने उनके अर्थ लिखे, हिंदी में लिखे, उनको जाना, आप उनको याद भी करिएगा। ये हमारा कुछ एक्टिविटी कार्य है कि राम के विषय में। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना श्री राम के बारे में कि उनके पिता कौन थे, उनकी माता कौन थी, उनके गुरु कौन थे, और उस पर आपको जब आप जान गए हैं तो उसके 5 वाक्य बहुत आसानी से लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।